मुरादाबाद में इस वक्त सियासत चरम पर पहुंच चुकी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद शुरू हुई प्रक्रिया में दुश्मनी का रंग भी घुलता जा रहा है। ताजा मामला भगतपुर थाने इलाके का है, जहां एक प्रत्याशी पर मारपीट और फायरिंग करने का मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन प्रत्याशी का साफ कहना है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। और तो और प्रत्याशी का तो यहां तक आरोप है कि पुलिस विपक्षियों से मिलकर बिना जांच किए ही उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, मैं हूं खुशी पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। दरअसल ये मामला मुरादाबाद के भगतपुर थाना इलाके के गांव निवार खास का है, जहां रहने वाले संतोष कुमार सिंह इस बार ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी हैं। लेकिन इसी बीच उनके खिलाफ थाने में मारपीट और फायरिंग का मुकदमा दर्ज कराया गया, और ये मुकदमा दर्ज कराने वाला कोई और नहीं बल्कि इनके खिलाफ चुनाव में खड़ा हुआ प्रत्याशी रमेश पाल है। जानकारी के मुताबिक रमेश पाल और संतोष कुमार सिंह दोनों ही बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं और दोनों ही इस बार ब्लॉक प्रमुख के उम्मीदवार भी हैं। ऐसे में नातिफाकी पढ़ना लाजमी है। संतोष कुमार के मुताबिक उनकी और रमेश पाल की बहस हुई थी, लेकिन ना तो मारपीट हुई और ना ही किसी ने गोली चलाई। बावजूद इसके उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा कर पीछे घसीटा जा रहा है। ये मुकदमा तो लिखा गया है, ये बात बिल्कुल सच्ची है, लेकिन इसमें सच्चाई रत्ती भर भी नहीं। ये एक षड्यंत्र है हमारे जो विरोधी हैं उनका, और वो आज से नहीं, जन्म जात हमारे विरोधी हैं, हमारा विरोध करते चले आ रहे हैं। उन्होंने हमारे खिलाफ ये मुकदमा लिखाया है, जबकि घटना घटी ही नहीं, कोई बात ही नहीं थी। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया, मेरे खिलाफ मुकदमा उन्होंने लिखाया है, मुझसे कोई तमंचे की बात लिखी हुई है, तमाम दुनिया भर की बात उसमें लिखवाई है। ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी संतोष कुमार इस वक्त खासा परेशान है। संतोष के मुताबिक फर्जी मुकदमे की वजह से उनकी छवि खराब हो रही है। वो चाहते हैं कि इस मामले की पारदर्शी जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ना मेरे पास कभी जिंदगी में मैंने कोई तमंचा रखा, ना मैं किसी को डराने की बात करता हूँ, ना मैंने कोई डराया। बस मैंने इतना जरूर पूछा था कि भाई आप लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, और आप ये भी बता रहे हैं कि पार्टी ने हमें कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया बीजेपी ने, तो ऐसा तो कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। बीजेपी ने तो अभी कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, मैं भी संभावित प्रत्याशी हूं और मुझे पूरा यकीन है कि बीजेपी मुझे टिकट देगी, क्योंकि ज़्यादातर बीडीसी के सदस्य मेरे फेवर में हैं। तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि बीजेपी का टिकट हमको हो गया है? तो मैंने इस तरीके की बातें मत कहिए, अपना आराम से चुनाव लड़िए, किसी को प्रलोभन मत दीजिएगा, इससे ये करप्शन बढ़ता है। लेकिन उन्होंने षड्यंत्र करके मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा दिया, मुझे तो जब पता लगा इस मुकदमे का। वही मौके पर मौजूद लोगों से भी हमारे संवाददाता ने बात करते हुए सच्चाई जानने की कोशिश की। सभी लोग गोली चलने की बात से इनकार कर रहे हैं। मामला ये था, वो जो चेतन चौहान वाला ग्रुप है वो आए हुए थे यहाँ पे, उधर से प्रमुख साहब की गाड़ी आ रही है, किसी ने बुलाया होगा तो वो भी आ गए। प्रमुख संतोष सिंह, मैं भी यहाँ मौजूद था, भीड़ को देख के मैं भी आ गया था, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, झगड़ा उगड़ा कोई नहीं हुआ था, ना किसी ने फायरिंग की, क्योंकि चौकी बराबर में अगर फायरिंग होती तो सबसे पहले से चौकी वालों को पता चलता। मामला कुछ नहीं था, ये आपने वहाँ तो खड़े थे दुकान पर, तो प्रमुख साहब ने कहा इनसे कि भाई आप टिकट हो गया बीजेपी से, तो बोले साहब बिल्कुल हो गया, कि आप झूठ बोल के इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपका टिकट तो नहीं हुआ है अभी। इस तरीके की बात हुई थी, कोई जिक्र नहीं हुआ साहब फायरिंग का, ना आसपास में कोई खबर है इस बात की, सब लोग वहाँ कह रहे हैं अपना सबूत जुटा रहे हैं, यहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ, इस बात के अलावा कोई बात भी नहीं हुई वहाँ। ये खबर हमारे संवाददाता नासिर खान ने कवर की है। संतोष कुमार एक तरफ अपने चुनाव के नतीजे के लिए परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ उन पर दर्ज हुए मुकदमे ने उनकी दिक्कतें बढ़ा रखी हैं। लेकिन इस मामले में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देखते हैं लाइक और फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।